आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पूरा फुल डिटेल्स जानने वाले हैं। तो सैटेलाइट हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कामों को आसान कर दिया हुआ है, यानी कि घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग और बहुत सारे ऑनलाइन काम क्या कर सकते हैं, उससे आसानी से कर सकते हैं। किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। जैसे हम घर बैठे टीवी को देख ले रहे हैं, ऑनलाइन जितने सारे काम हैं किसके थ्रू कर रहे हैं? एक सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं। तो इस सैटेलाइट हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ। तो 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ, यानी कि ये उस टाइम लॉन्च हुआ। किस लिए लॉन्च किया जाता है? तो आपको बता दें कि ये क्या होता है कि स्पेस में लॉन्च किया जाता है, ताकि वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सके और बहुत सारे काम को हम कर सके। यानी कि यहाँ से लिंक लगाएंगे सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से फिर आएगा वो क्या होगा, एक स्टेशन पे आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे कि कैसे मतलब लॉन्च होता है और वहाँ पे कैसे सैटेलाइट काम करता है, यानी कैसे इंफॉर्मेशन को यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड करता है, यानी कि वहाँ से एक दूसरे के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। यानी कि क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग। यानी कि सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग, तीन स्टेप होते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो सैटेलाइट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं जो अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन, GPS, साइंटिफिक रिसर्च एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड एडिशनल मिलिट्री यूजेस, यानी कि इतने सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस सेक्टर और भी बहुत सारे, यानी कि सबका अलग अलग हो जाएगा। जैसे वेदर, मौसम के लिए क्या किया जाएगा, तो उसका सैटेलाइट अलग होगा। और उसका क्या होगा कि जैसे बताता है ना कि मतलब वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ने वाली है, इस स्टेट में ठंडी इतनी पड़ने वाली है, या फिर ये बता देता है कि इस एरिया में बारिश होने वाली है, तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में होता है, उसको क्या करता है, लेता है, उसके बाद से सीधा इन्फॉर्मेशन नीचे भेजता है स्टेशन में पर, यानी कि अर्थ स्टेशन पे भेजता है। उसके बाद से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद से उस इन्फॉर्मेशन को न्यूज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो सैटेलाइट मतलब उसके अलग अलग काम होते हैं, मतलब हर चीज़ का। अब जैसे मिलिट्री वालों को अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई मिसाइल हमला कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सैटेलाइट उसको सर्च करेगा, उसको रीड कर लेगा, सीधा अर्थ पे, अर्थ स्टेशन पे क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा कि कोई मिसाइल आ रहा है, फिर इधर से ये अपना काम करेगा, फिर मारेगा ऊपर ही, क्या करेगा, उसको ब्लास्ट कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ें हम मतलब क्या करता है कि आसान कर देता है, कौन, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से हमें बहुत फ़ायदे हैं। तो अलग अलग सैटेलाइट मौसम को अलग हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग, लाइव जो प्रसारण होता है, जो वीडियो होती है चलती है, टेलीविज़न जो लाइव प्रसारण होते हैं उसकी अलग हो जाएंगे, वेदर का अलग हो जाएगा, फिर GPS लोकेशन मैपिंग, ठीक है, तो ये सब अलग अलग हो जाएगा। सैटेलाइट को जब स्पेस में लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद, यानी कि अंतरिक्ष में, स्पेस में पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, यानी कि सैटेलाइट ग्रह, यानी कि ऑर्बिट के चारों ओर ये परिक्रमा करने का सक्षम होते हैं, यानी कि एबल होते हैं। तो आपको बता देते हैं कि चाइना 2007 में क्या हुआ था कि उसका जो पुराना वाला जो सैटेलाइट था उसको नष्ट कर दिया, मार गिराया। तो क्या होता है कि जो पुराने हो जाते हैं सैटेलाइट उसको, यानी कि यहाँ से फिर रॉकेट के थ्रू उसको मार के गिराया जाता है, ताकि उसको नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि कोई डेटा लीक ना हो। तो आपको बता देते हैं कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2000 एवोब, यानी कि 2000 से ज़्यादा सैटेलाइट पूरे दुनिया की बात बता रहे हैं, यानी कि पूरे दुनिया में से जो सैटेलाइट भेजा गया है स्पेस में भेजा गया, 2000 से एवोब सैटेलाइट हैं। यानी कि एक जगह से नहीं भेजेगा, पूरे दुनिया के कोने कोने से, एक एक जगह से, यानी कि लगभग 2000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है, और उसके सबके काम अलग अलग काम हैं। तो ये नहीं है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई डेटा लीकेज, यानी कि जासूसी जिसको बोलते हैं ना, तो 2008 में अमेरिका ने क्या हुआ था कि कोई ऐसा सैटेलाइट था जो जासूसी कर रहा था, तो उसने क्या किया कि उसको मार गिराया 2008 में। ऐसे ही भारत में भी क्या हुआ था कि 27 मार्च 2019 को इंडिया ने क्या हुआ कि 3 मिनट में 300 किलोमीटर की हाइट पर एक लाइव परीक्षण मतलब चल रहा था, उसको भी इस उन्होंने क्या किया, मार गिराया, कौन, इंडिया ने। तो ऐसे बहुत सारे मतलब होते रहते हैं। अब आते हैं सैटेलाइट की वजन के बारे में। तो सैटेलाइट की जो वजन होती है काफ़ी लाइट होती है, हल्का होती है, ज़्यादा उसमें वेट नहीं होता है, लेकिन उसको लॉन्च करने में काफ़ी खर्च आ जाते हैं।
कोई किसी में ज़्यादा खर्च होता है, किसी में कम खर्च होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि वो बहुत हल्का होता है और साइड से दो उसके सोलर पैनल होते हैं, साइड से जो डायना की तरह दिखता है वो सोलर पैनल होते हैं, ताकि वो क्या होता है उससे चार्ज होता है, यानी कि बैटरी चार्ज किया जाता है सोलर पैनल से। तो कितने लोगों के दिमाग में आते हैं कि वहाँ पर लाइट कैसे आएगी, तो यानी कि सूर्य की प्रकाश से वो क्या करता है, सोलर पैनल जो है क्या होता है, यानी कि उसको एनर्जी मिलती है, यानी कि वो बैटरी को चार्ज करता है सोलर पैनल के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल जाती है, यानी कि बैटरी चार्ज होगा, बैटरी चार्ज से उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत हल्का होता है और बताया जाए कि मतलब लॉन्च करने में इसमें क्या काफ़ी खर्चे आते हैं, कोई ज़्यादा आता है कोई कम आता है। तो एक आते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसके बारे में वीडियो एक अलग से बनाएंगे, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स है, एक वीडियो में सारा डिटेल्स दे देना बहुत मुश्किल होता है, तो अभी बेसिकली जानते हैं। तो इसमें एक स्टेशन होता है, उसमें कोई जैसे कहने का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें कोई खराबी हो जाती है तो यहाँ से लोग को भेजा जाता है, स्पेस में भेजा जाता है उसको मरम्मत करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए लोगों को भेजा जाता है वहाँ पर, मतलब उसकी देख रेख के लिए और उसको मतलब सही करने के लिए। तो ये हो गया। अब आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये अलग हो जाएंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो बेसिकली सैटेलाइट के बारे में जानी गए, तो अब आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, माने हर पल मिनट सेकेंडों से जुड़ा हुआ है। तो ये इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिल करके बन हुआ है, यानी कि कौन कौन से स्टेप से मिल करके बना है, इसके कौन कौन से स्टेप होगा। तो इसके तीन स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ट्रांसपोंडर, दूसरा है एंटीना एंड तीसरा क्या है, स्विच सिस्टम, यानी कि ये तीन सिस्टम से बना हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे और उसके नीचे वाले स्टेप से जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेसिकली सबसे पहले जानते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो इस्तेमाल किया जाता है किन किन चीज़ों से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के उपयोग के बारे में जानते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो इतनी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि इसमें टेलीफोन आ गया आपको, टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया, रेडियो आ गया एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो मिलिट्री एप्लीकेशन का अलग हो जाएगा, ताकि उनको सारी डेटा होगी, यानी कि कोई दुश्मन कोई दूसरा हमला करे ताकि उनके ऊपर क्या हो, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे रेडियो का अलग हो गया, इंटरनेट का अलग हो गया, और क्या हो गया आपको, टेलीफोन का अलग हो गया, टेलीविज़न का अलग हो गया। तो टेलीविज़न का सैटेलाइट अलग हो जाएगा, यानी कि हर पांचों स्टेप बता देना आपको, तो पांचों स्टेप का मतलब अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले आसान भाषा में जानते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें तीन स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या होगा, सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग। तो ये तीन स्टेप हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके दो कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड सेगमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पेस सेगमेंट। तो ग्राउंड सेगमेंट क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, और स्पेस सेगमेंट होता है ये क्या होता है, मतलब वो खुद सैटेलाइट ही होता है जो अंतरिक्ष में होता है। एक हो जाएगा फिक्स्ड, एक हो जाएगा स्पेस। तो ये दो इसके कंपोनेंट हो गए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, यानी कि कहने का मतलब या तो रेडियो से, या फिर कॉलिंग से, या फिर टेलीविज़न, टेलीफोन, कोई भी ऑनलाइन चीज़ से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो एक यहाँ पे डायग्राम होगा, आप इसमें देख लेंगे कि अपलिंक एंड डाउनलिंक, यानी कि दो चीज़ें होगी। एक तो आपका सैटेलाइट है कहाँ पे, स्पेस में एक सैटेलाइट हो गया आपका। तो स्पेस में एक सैटेलाइट हो गया, तो यहाँ पे एक नीचे जो है आप देख सकते हैं अर्थ स्टेशन, नीचे क्या हो जाएगा आपको, एक अर्थ स्टेशन हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या होगा, एक सेंड करेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन भेजेगा कहाँ पे, तो सैटेलाइट के पास भेजेगा, यानी कि सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट क्या करेगा, वहाँ से अब यानी कि डाउन लिंक, ठीक है, अपलिंक से सीधा क्या हो जाएगा, डाउन लिंक होगा, यानी कि सेंड ऑन द अर्थ, यानी कि कहाँ पे ये सेंड करेगा, अर्थ के पास, यानी कि अर्थ का जो स्टेशन है वहाँ पे सेंड करेगा।
तो आप फिगर से समझ सकते हैं, यानी कि जिस चैनल के माध्यम से या जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सिग्नल को स्पेस में भेजता है वो क्या हो जाएगा, अपलिंक। एंड अब दूसरा हो जाएगा डाउनलिंक के बारे में समझते हैं। ये ट्रांसपोंडर द्वारा सिग्नल को भेजता है कहाँ पे, सेंड ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर भेजता है। किसके थ्रू, सेटेलाइट के थ्रू भेजता है। ये हो जाएगा आपको डाउनलिंक, यानी कि अपलिंक एंड डाउनलिंक, यानी कि यहाँ पे अर्थ स्टेशन जो होता है, अर्थ स्टेशन से सीधा भेजेगा आपको स्पेस में, ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी के द्वारा स्पेस में जो भेजता है सिग्नल वो हो जाएगा अपलिंक, और वहाँ से जो ट्रांसपोंडर के द्वारा सेंड ऑन द अर्थ पे भेजेगा वो क्या हो जाएगा, डाउनलिंक, यानी कि ऐसे चलता है। तो ये क्या होगा, जब डाउनलिंक नीचे आएगा तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यानी कि पहला स्टेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से भेजेगा सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट से उसके थ्रू दूसरे स्टेशन यानी कि ऑन द अर्थ पे, यानी कि अर्थ में बहुत सारे जगहों पे उसका इन्फॉर्मेशन जाएगा, यानी कि जमीन पर सैटेलाइट रिसीवर में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH में जाता है, ठीक है, यानी कि अर्थ स्टेशन। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं कि मोबाइल रिसेप्शन ऑन द इक्विपमेंट्स एयरक्राफ्ट, यानी कि सैटेलाइट टेलीफोन्स एंड हैंडेड डिवाइसेस, ये सब हो सकते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सैटेलाइट। अब आते हैं कुछ ऐसे सर्विसेज के नाम जो सैटेलाइट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो जैसे FSS, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फिक्स सैटेलाइट सर्विस, और ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस, रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सर्विस, और वेदर और क्लाइमेट सैटेलाइट सर्विस, जिसको मेट्रोलॉजिकल भी कह सकते हैं। तो ये रहा इतने सारे डिटेल्स, तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि सैटेलाइट क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। सैटेलाइट के थ्रू ही आज हमारे जितने सारे काम हैं आसान हो गए हैं, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फास्ट जो हम चैटिंग करते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर बहुत सारे कामें करते हैं, ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही करते हैं। तो कोई फिक्स सैटेलाइट होता है, तो कोई स्पेस में सैटेलाइट होता है। तो ये चीज़ें सब चीज़ किससे कनेक्टेड है, सैटेलाइट के थ्रू ही कनेक्टेड हैं भाई। तो अगर ये नहीं रहता ना तो बहुत ही मुश्किल होती। अब कुछ कुछ दूरी पर आपको सैटेलाइट फिक्स जमीन पे करके रखना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। अब एक ही बार स्पेस में छोड़ दिया उससे बहुत सारे काम ही हो रहे हैं। तो इसमें जासूसी, स्पेस में भी क्या होते हैं, जासूसी होते हैं, जिससे उसका डेटा लीक होता है, जिससे उसमें भी क्या हो है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये नहीं है कि वो इसका मार के गिरा देगा, ऐसा होता भी है, लेकिन उसमें भी रूल है। ये नहीं है कि एक मतलब देश देश में भी होता है। अभी बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर भी मतलब बहुत सारे हैं जो कामें कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारे डिटेल्स आपको मैंने बताया, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये नॉर्मली एक डिफिनीशन टाइप का था वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ये मतलब एक बता दें कि एक नॉर्मली एंड बेसिकली वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पर लोग कैसे जाता है, वहाँ पे कैसे तैरने लगते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड स्टडी टू।